वेलकम बैक। देखने वाले देख रहे होंगे कि सिद्रा मुनीर वापस तो आ गई हैं, लेकिन सेट पर जो है वो एक बड़ी खूबसूरत सी तब्दीली आई है, क्योंकि हमारे सेट पर पहुंच चुके हैं कुछ बहुत मज़े के केक्स। क्योंकि केक्स इसलिए पहुंचे हैं सेट पे क्योंकि आज हमारे साथ जो खवातीन दो मौजूद हैं वो के एक हैं जी मेरे साथ मौजूद नील हैदर, जो कि बड़े मज़े के और खूबसूरत केक्स बनाती हैं, जबकि दूसरी जानी मेरे साथ मौजूद हैं अबीर सईद, जो कि शेफ हैं और पेस्ट्रीज बनाती हैं, केक्स बनाती हैं। यानी आज बड़ा मज़े का और खाने पीने का कुछ डिस्कशन शुरू होने वाली है। दोनों को आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नील, आपसे आगाज़ करते हैं कि ये केक बनाना जो है वो नो डाउट बहुत बड़ा एक आर्ट है। शौक था या फिर इंडस्ट्री को देखते हुए? शौक भी था, जब शुरू किया तो दिल चाहता था कि हर तरह की नई इनोवेशन लाई जाए काम में। शुरू में तो बहुत डिज़ास्टर्स भी हुए, लेकिन ऑब्वियसली फैमिली का बहुत सपोर्ट थी, तो उसके साथ हमने शुरू किया। हमारे माशरे की नीड है कि औरतें हमारी आगे बढ़ें इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में आए काम करें। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम वेल सेटल्ड फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन औरत को इतना मज़बूत होना चाहिए कि वो अगर कभी ज़रूरत पड़े तो अपने घर को लेकर आगे जा सके। और इसके अलावा अगर नहीं भी इस तरह घर के लिए अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं भी करती तो वो उन्हें खुद इतना मज़बूत होना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके, माशरे के साथ अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से लेके जा सके। और ये सिर्फ मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के साथ है, वरना मैं नहीं कर सकूं ये सब कुछ जी। ख्वातीन को मजबूत भी होना है और ख्वातीन को हर मैदान में आगे बढ़ना है, खुद एतमाद भी रहना है। अबीर, आपकी तरफ आएंगी, क्या कहना चाहेंगी? शौक से ये अपनाया या फिर ख्वातीन तो वैसे ही कुछ ख्वातीन होती हैं जो कि कुकिंग की बहुत शौकीन होती हैं और बेकरी साइड पे तो बहुत कम ख्वातीन जाती हैं। एग्जैक्टली, मैं शुरू से इस फील्ड में यही सुनती आई हूँ। मुझे शौक ज़रूर था, नॉर्मल बेकिंग जो घर में पाउंड केक्स लाइक होते हैं, लाइक हम लोग बेसिक केक्स जो घर पे करते हैं। मैंने अपना पहला केक अपनी मदर की हेल्प से बेक किया था, शी डू। और बट लेकिन ये हुआ कि जैसे जैसे चेंज आता गया कि अच्छा सब केक आ गया तो ब्रेड्स क्यों नहीं, ब्रेड्स आ गई हैं तो पिज्ज़ा क्यों नहीं, जस्ट गो ऑन फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी उसमें कि आप कुछ भी इंग्रीडियंट्स को मिक्स करो बट आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है इट शुड बी यम। मेरे पास ऑब्वियसली जिस तरह नील ने कहा कि सपोर्ट आपकी फैमिली की होनी बहुत ज़रूरी है, इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ कितने टाइम के मुताबिक किस हालात को देखते हुए हर चीज़ में करते हो। शुरू में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते थे, रिव्यूज़ जैसा कि आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता था कि इस फील्ड में फीमेल्स का क्या काम है, इस फील्ड में फीमेल्स क्या कर रही हैं, दे आर जस्ट फॉर कुकिंग एट होम नॉट फॉर द फील्ड। सो बेकिंग फ्लाइट पे वाकई बहुत कम आती है, कुकिंग की तरफ जाती हैं, तो मेरा ध्यान कुकिंग ऑब्वियसली माशाल्लाह आई डू कुक, लेकिन बेकिंग की साइड पे होता है कि इट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है, इट्स जस्ट लाइक माय पैशन। मैं जितना मर्जी थकी हूँ लेकिन अबीर का तो जुनून है जी ये बेकिंग। लेकिन नील की तरफ हम आएंगे, नील क्या कहना चाहेंगी? जब शुरू में आगाज किया, अक्सर हम लोग देखते हैं, इवन के मेरे साथ कई बार हुआ कि केक बनाने की कोशिश की लेकिन वो बिस्किट बन जाते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्किट की तरफ तो नहीं गया। हाँ, ये है कि बेकिंग मैंने उस वक्त से स्टार्ट की जब मुझे ये नहीं पता था कि इसमें बेकिंग पाउडर भी डलता है। हमने जब स्टार्ट किया तो घर में बस एक एक्सपेरिमेंट था और बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके और अवन में बेक करना रख दिया। रेसिपीज देख के कि उसे बनाने की कुछ कोशिश की जाती थी, बन कुछ और जाता, बन कुछ आता था, लेकिन घर वाले मेरे इन लॉज सब ने इतने मज़े से खाया कि मुझे इनकरेजमेंट मिली कि हाँ अगर ये खाया जा सकता है तो इसके बाद जब इम्प्रूवमेंट होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ मिलेगी। तो वहाँ से हौसला अफजाई हुई और करते 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 फिर जब इस फील्ड को प्रोफेशनली चूज़ करना चाहा तो फिर मुझे एक डायरेक्शन लेनी थी, फिर मैंने इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग मैंने कम्प्लीट बेकिंग की ली थी जिसमें केक डेकोरेशन मेरा अपना आर्ट है, इसको मैंने बहुत टाइम दिया, तकरीबन 2 साल मैंने इस पे काम किया और मैंने जो मेरे अंदर का आर्ट था उसको। अच्छा, मैं खवातीन थोड़ी सी वैसे भी होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ना उनमें एक सलाहियत होती है डिजाइनिंग की, डिजाइनिंग का शौक रहा है और एक अल्लाह का शुक्र है कि एक रास्ता मिल गया, जो कुछ माइंड में पिक्चर होती है वो बन के आपके सामने आ जाती है।
तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे क्लाइंट हैं हम उनसे सुनें, ज़रूरी नहीं है हम एक पिक्चर को लेकर उसको फॉलो करें, हम उनसे उनके आइडियाज़ लेते हैं। जिस पर्सन के लिए केक होता है या कोई भी हमारी प्रोडक्ट होती है, हम उनसे उनके इंटरेस्ट पूछते हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स सब चीज़ें लेकर फिर हम एक पिक्चर बनाते हैं, एक आइडिया ड्रॉ करते हैं, फिर हम क्लाइंट से शेयर करते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अच्छा, अभी आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले आपने आगाज किया और आपको तो कुकिंग का बल्कि बेकिंग का जुनून है। कितनी चीजें खराब की, वो जो कुकीज और बिस्किट्स, और कहाँ से आगाज किया उसके बाद? कुकीज और बिस्किट्स तो खराब है सच कभी नहीं हुई, हाँ कुकीज जल जरूर गई। और आगाज यूँ हुआ कि स्टार्ट कुकिंग से, ऑब्वियसली माँ पहली दरसगाह होती है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी मेरी मदर ही पहली दरसगाह थी। उनसे कुकिंग तो ज़रूर सीखी, एक कश्मीरी फैमिली से होने का जो था, आप कहते हैं कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो होते हैं, उसमें खाने पीने का शौक है वो सब कुछ, लेकिन कुकिंग के साथ साथ बेकिंग के अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने अपना पहला केक जो बेक किया था वो अपनी मदर की हेल्प से किया था, उनसे सीखा, मगर उसमें वो चीज़ नहीं थी जिसे हम देख के कहते हैं कि वो मार्केट वाली चीज़ क्यों नहीं आ रही, तो उसको देखने के लिए फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए ट्रेनिंग प्रॉपरली। और एज आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड इन सऊदीया, मक्का में ऐसे कोई ट्रेनिंग स्कूल्स थे नहीं, बट देयर वाज अ कैथलिक लेडी इन जद्दा, मैं उनके पास ट्रेनिंग लेती थी, और रिटर्न में क्या होता था बार्टर ट्रेड चलती थी, उनको पाकिस्तानी डिशेस सिखाई जाती थी। अच्छा, और मैं उनसे उनकी बेकिंग की जो आपने अपना पाकिस्तानी टैलेंट और पाकिस्तानी जो हमारे मजे मजे के खाने हैं वो सऊदीया में भी सिखाए, और उनके बदले में जो है वो बेकिंग उनकी कुजीन मैंने सीखी। सो इट्स जस्ट लाइक अ बार्टर ट्रेड, मैंने फ्यूजन हो गया। कई दफा ऐसी चीज होती है कि अभी भी हम लोग फ्यूजन, आई बेसिकली आई लाइक फ्यूजन, कि आप हर चीज को एक चीज को लेके लकीर के फकीर होके मत चलो, इनोवेशन जरूरी है, उसमें जो है ना जिद्दत लानी जरूरी है, आप जो चीज का जो काम भी करो उसको शौक से करो, और जो काम शौक से दिल से किया जाए मुझे नहीं लगता वो कभी खराब हो सकता। जो शौक से काम किया जाता है, जो दिल से किया जाता है, वो यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा नील, आपकी तरफ आऊंगी। केक्स जो हैं वो किस तरह से आवाम शहरी किस तरह के केक पसंद करते हैं, फ्लेवर्स कौन से पसंद करते हैं, और डिजाइनिंग जो है वो ज्यादा कौन सी चलती है? ये तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है। कोई इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें बिल्कुल प्लेन केक्स चाहिए होते हैं, हम हर तरह की उनकी डिमांड लेके चलते हैं। कुछ को फंकी डिज़ाइंस चाहिए होते हैं। आप अगर मेरे पेज को विजिट करें तो आपको बहुत से अजीबोगरीब शक्लें भी नज़र आएंगी, लेकिन वो क्लाइंट की डिमांड होती है। और इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि अपनी फ्लेवर लिस्ट क्लाइंट से शेयर करें जो मार्केट में है। जैसे कि अभी अबीर ने कहा कि हम मार्केट को मार्केट प्रोडक्ट को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एंड रिज़ल्ट मार्केट से अच्छा आता है। हम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं हर चीज़ को। हाँ, हमारी कॉस्ट थोड़ी हाई है, लेकिन हमें पे जो समझते हैं इन चीज़ों को, जो अच्छा खाने वाले हैं वो हमें पे भी वैसे करते हैं, तो माशाल्लाह अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, क्लाइंट्स और हमारी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाती है, जिससे लेकर फिर हम इसे आगे चलते हैं। अच्छा अभी कार्टून करेक्टर्स बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और खास तौर पर मेरा ख्याल है कि फैमिलीज में बच्चों की जो बर्थडेज होती हैं उनको बड़ा खास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है। कितने ऑर्डर्स आते हैं जो बच्चों के हवाले से होते हैं, और कितने होते हैं जो यंगस्टर्स के होते हैं? अच्छा, अब तो कार्टून करेक्टर्स ये चला जाए थोड़ा सा ओल्डीज साइड पे, अब तो थीम बर्थडेज होती है, उस थीम के अकॉर्डिंग आपका जो थीम कलर आप सेलेक्ट करते हैं, समटाइम्स इट्स मे बी वन कभी दो भी हो जाते हैं, उन कलर्स के साथ उस कलर स्कीम को सेट करते हैं, फिर उसी थीम के अकॉर्डिंग केक बनता है। तो अब कार्टून करेक्टर्स आते हैं, पहले कार्टून करेक्टर्स सिर्फ क्रीम पर होते थे, अब कार्टून करेक्टर्स बाकायदा 2D 3D वर्जन में भी होते हैं। उसके अलावा जिस तरह बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों में आजकल डोरेमोन है, या ब्यूटी एंड द बीस्ट, स्नो वाइट, इस सब की ये सब कार्टून्स को देखते हुए लोग करते हैं, और एक फ्रोजन और एल्सा का एक जो एक फीवर चल रहा है मार्केट में, वो उसमें शौक से लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। पहले बर्थडेज के लिए सिर्फ ये होता था जी नाना नानी दादा दादी बैठ गए और केक आ गया बेकरी से, और प्रॉपर एक थीम होता है, प्रॉपर जो है। अब मुझे लगता है जिस तरह एक शादी की प्लानिंग होती है इसी तरह एक बर्थडे प्लान होती है। अच्छा, बर्थडे प्लानिंग होती है शादी की तरह, और उसके लिए कितनी देर पहले आपको ऑर्डर करना पड़ता है, या फिर आप अपने कस्टमर्स को रेकमेंड करते हो कि कम से कम इतने दिन पहले हमें ऑर्डर करो ताकि हम अच्छे अंदाज में आपको पेश कर सकें? हम अपने कस्टमर को यही रेकमेंड करते हैं, बल्कि हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो पुराने कस्टमर हो जाते हैं वो समटाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके कहते हैं कि हमें 3 घंटे 4 घंटे में केक चाहिए, तो हमें उन्हें ये चीज़ अभी भी समझानी पड़ती है कि एटलीस्ट हमें 2 डेज दिए जाएँ, क्योंकि हम
अकेले काम करने वाले हैं हम, एक हमने अगर हम अपनी एक प्रोडक्ट शुरू करते हैं तो हम उसको फिनिश भी खुद करते हैं, तो उसके लिए हम खुद टाइम, हमें खुद टाइम देने के लिए कलर कॉम्बिनेशन फ्लेवर्स उसमें तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसीलिए हमें टाइम चाहिए होता है। हमारी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2 डेज होती है क्योंकि हमें एक चीज़ पे काम नहीं करना, हमें बहुत सारे ऑर्डर्स लाइनअप होते हैं और हमें हर एक को इंडिविजुअली टाइम देना पड़ता है। तो हमारी रिक्वेस्ट ही है ऑनलाइन भी, मैं यहाँ पर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें एटलीस्ट 2 डेज दिए जाएँ ताकि हम आपकी आपको एक बेहतर प्रोडक्ट दे सकें। यानी प्लानिंग ज़रा जल्दी कर लें ताकि केक मेकिंग में थोड़ा जो है वो आपको वक्त मिल जाए। अभी कौन से फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, शेरी चॉकलेट है, ब्लैक फॉरेस्ट है या ब्राउनी? ब्लैक फॉरेस्ट तो थोड़ा, ये पाइनएप्पल केक ब्लैक फॉरेस्ट ये थोड़ा साइड पर जाते जा रहे हैं, जो थोड़े क्लासिक नॉस्टैल्जिक लोग हैं वो इसको ज़रा ऑर्डर करते हैं। अब के फ्लेवर्स में ब्राउनी, फर्श ब्राउनी, अलास्का जो है चॉकलेट या फिर कैरमल, ये सॉल्टेड कैरमल, ये सब चीज़ें आजकल उसमें चल रही हैं। ये या रेड वेलवेट की बहुत डिमांड आती है, या फिर आपके पास जब बहुत ज़्यादा भी होता है तो डेथ पर चॉकलेट की बहुत डिमांड आती है। बाकी जो ब्लैक फॉरेस्ट और पाइनएप्पल, ये नो डाउट की क्लासिक वन है, लेकिन ये हमेशा रहते हैं, कभी ना कभी ये इन रहते ज़रूर हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है यानी कि यंगस्टर्स को, ये टीनेजर्स को देखते हैं, वो सब चॉकलेट के ब्राउनी फज की बेस जो है ना उसको पसंद करते हैं। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि कोई डाइटिंग केक शेक बनाया जाए? हाँ जी श्योर, क्यों नहीं। सबसे पहले तो मैं अपने लिए जरूर बनाती हूँ, अपने घर वालों के लिए बनाती थी। ग्लूटेन फ्री भी केक्स होते हैं, होल वीट के लिए होल वीट फ्लोर में भी बनाते हैं, शुगर लेस भी बना, लाइक कम शुगर के लिए भी बना लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को अगर कोई एलर्जी होती है तो उनके लिए हम एगलेस, फ्लावरलेस, जिसमें हम फ्लावर की जगह पे आलमंड फ्लावर या दूसरे फ्लावर यूज़ कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को एलर्जी है तो वो प्लीज हमारी प्रोडक्ट से उतना ही फायदा उठाए जितने नॉर्मल लोग उठा सकते हैं। अच्छा, केक में देखा जाता है कि अंडे जो हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और वो खैर मुझे प्रॉपर रेसिपी तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इस्तेमाल होते हैं, तो फिर अगर उसमें से निकाल देते हैं तो उसका अल्टरनेट क्या है? आपने कहा कि एग फ्री भी होते हैं, एगलेस केक्स होते हैं, उसका अल्टरनेट एप्पल सॉस होती है, योगर्ट होता है, बनाना होता है, उसके अल्टरनेट चीजें उसमें यूज कर ली जाती है। अच्छा, ये प्रॉपर एक मेरा ख्याल है कि साइंस है, स्टडी है, कि आपको पता हो कि ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी तो ये करनी है, अल्टरनेट्स पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल पता होना जरूरी है, और साथ में ये चीज मैं ऐड करूंगी, जैसे अभी ने कहा कि हमारे ग्लूटेन फ्री केक्स होते हैं, हमारी ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स तो है ही, लेकिन हमारी लैक्टोज फ्री भी है। ठीक है, जो पेशेंट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, माएँ परेशान होती हैं कि बर्थडेज उनकी कैसे सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि केक नहीं है तो बर्थडे नहीं है, लेकिन हम एक वाइड रेंज अपनी क्लाइंट को देते हैं, लैक्टोज फ्री, ग्लूटेन फ्री। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं ऐसे जो कुछ होते हैं, चाहते हैं कि हम उन्हें हाईलाइट नहीं करें, लेकिन एक लंबी लिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी चीज़ें, और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात हमारे लिए ये खुशी की होती है कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और हमें लगता है कि वही हमारा एसेट है। अच्छा, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन नील ये भी तो देखा जाता है कि अब केक जो है वो सिर्फ बर्थडे तक महदूद नहीं है, अब तो शादियों पे बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है केक। सिर्फ शादी नहीं, ब्राइडल शार, बेबी शार, और इसके अलावा अब तो ये आप कह लें कि जब बच्चे का पहला दांत गिरता है तो उसके लिए भी केक बनवाया जाता है, और जब पहला दांत आता है तो उसके लिए भी केक बनवाया जाता है। यानी वो मीठे की जो हमारी एक रवायत है जी, उसको पहले मिठाइयाँ होती थी, मिठाई जल्दी से लड्डू मंगवा लेते थे, मिठाइयाँ आ गए हैं उसमें, एडवांसमेंट कह सकते हैं आप। लोगों को वैरायटी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास केक के फ्लेवर्स में बहुत वैरायटी है, ना सिर्फ चॉकलेट में, चॉकलेट की तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम वनीला में भी बहुत अच्छी रेंज देते हैं, ना सिर्फ उसमें सिंपल वनीला है, उसमें फ्रेंच वनीला है, बीन पेस्ट के साथ बनाते हैं हम फ्रेश प्यूरीज डालते हैं, सीजनल तो होती हैं, इसके अलावा हमारे पास स्टोर की भी होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतना पाकिस्तान में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हर चीज़ हम जैसा क्लाइंट कहे वैसे प्रोवाइड करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, अभी आपकी तरफ आऊँगी, किस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा इन्हें, क्या डिमांड आती है सबसे ज़्यादा कि हमें इन कलर्स में केक चाहिए? डिपेंड करता है उनका ओकेजन क्या है, अगर तो वो लोग बच्चों के लिए कोई बर्थडे पार्टीज के लिए होते हैं तो समटाइम्स वो इन्फेंट्स के लिए अगर बनवाते हैं तो वो पेस्टल कलर्स की ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन अगर फ्रेंड्स वगैरह बनवाती हैं तो वो उसमें व्हाट्सएप की इमोजीज से लेकर तो कोई मीम में किसी को टैग किया तो वो सब कुछ बनता है, यानी कि एवरीथिंग इज फेयर इन केक बेकिंग, अब तो अच्छा। सब चलता है, इसलिए जिस तरह अभिनीत बताई थी कि ब्राइडल शावर के लिए या फर्स्ट इवन के, मेरे पास एक
प्रीवियस डेज में कुछ ऑर्डर एक था जिसमें उन्होंने अपने बेटे की शायद वॉशरूम ट्रेनिंग के लिए उन्होंने उसके लिए भी केक बनवाया था कि जी मेरा बेटा ट्रेंड हो गया है and I want to celebrate this occasion. तो उनके लिए शायद ये बहुत बड़ी बात होगी and she ordered the cake for that thing. हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ हो चुकी हैं कि अगर हम अपने मेरा ख्याल है छोटी छोटी खुशियों के लिए भी वक्त निकालें तो वो अपने लिए ही बहुत अच्छा हो जाएगा. मुझे लगता है कि आपको अपने आस पास खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, जो है उसके साथ इंजॉय करें, जो नहीं है उस पर मलाल करने की टाइम में जो आपके पास है आप उसको भी इंजॉय नहीं कर सकते. मीठे की बात हो रही है जी और मीठी मीठी बातें हो रही हैं. क्या कहेंगे फैमिली से कितना ज़्यादा रिस्पांस आता है और फैमिली से कितने ज़्यादा ऑर्डर आते हैं. पहले आपने बताया कि शुरू में कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन अब क्या, अब ऑर्डर्स आते हैं अपनी फैमिली से? जी सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि फैमिली ही है जो पहला मेरा मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया. ना सिर्फ उन्होंने सपोर्ट किया बल्कि मुझे रेकमेंड भी किया फैमिली के साथ. फैमिली के तो केक्स जाते ही हैं, उनकी फ्रेंड्स हैं, आगे से फर्दर फैमिली सब जो भी उनके कनेक्टेड जिनसे भी वो होते हैं तो उनको वो रेकमेंड करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है उनकी तरफ से. अच्छा नील, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑर्डर जो है वो प्लेस करना हो, वो कभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया हो कि नहीं जी ये अब हमारे घर में रहें, या फिर किसी का ऑर्डर किसी को दे दिया हो, या कुछ कभी ऐसा हुआ है कि माजरत कर ली हो एंड टाइम पे कि सॉरी हम आपको ये केक डिलीवर नहीं कर सकते? नहीं, अगर ऐसा हो तो ये तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, क्लाइंट तो हमें छोड़ेगा नहीं. हाँ ये है कि एक बार एक कुछ फैमिली में सडन डेथ हो गई थी जिसकी वजह से डिले हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो समझने वाले थे और उन्होंने समझा. थोड़ा लेट गया लेकिन एक्सक्यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लाइंट नहीं मानेगा. आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी अगर आप इस तरह के रीटेक नहीं होता यहाँ पे, यहाँ रीटेक नहीं होता. अच्छा, कोई मार्जिन नहीं है. आपने जब ऑर्डर लिया है, आपने उनसे कमिटमेंट की है, नाउ यू हैव टू स्टिक टू इट. आपके साथ जो इश्यूज हैं वो आपके इश्यूज हैं, वो क्लाइंट के इश्यूज नहीं है. जो आपने कमिटमेंट कर दी आपको देना है, हर चीज पहले डिस्कस होती है. बोर्ड किस कलर का होगा, केक की जो ऊपर टॉपिंग होगी या जो लेयर होगी वो किस कलर की होगी, ऊपर आपकी जो एक्सेसरीज या कुछ टॉपिंग्स होंगी वो किस कलर, हर चीज डिसाइड होती है. जो केक्स और पेस्ट्रीज में अगर हम डिफरेंस जानना चाहें आपसे कि वही फ्लेवर्स होते हैं सेम केक्स में जो होते हैं, पेस्ट्रीज में भी वही होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं? नहीं, वही फ्लेवर्स होते हैं. पेस्ट्री इज जस्ट अ थिंग. अच्छा, नॉर्मली लोगों को ये लगता है, हाँ आप कह सकते हैं अ चंक ऑफ अ केक. नॉर्मली लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि पेस्ट्री शेफ वो होता है जो सिर्फ पेस्ट्रीज बनाता. तो इस चैनल के ही मीडियम से मैं एक बात डिस्कस करती जाऊँ कि पेस्ट्री शेफ जो है वो सिर्फ केक्स नहीं बनाता. पेस्ट्री शेफ इज़ अ शेफ जो कि आपकी जितना डिज़र्ट काउंटर्स होते हैं, जो आपका डिज़र्ट सेक्शन होता है, प्लस जिसको अगर हम आपके हमारे जो एप्पल पाइज होते हैं उनके नीचे जो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री लगी होती है ईश वगैरह के नीचे, वो बेसिकली वो पेस्ट्री होती है जो कि आइटम होती है. हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी सी अवेयरनेस अब आना शुरू हुई है, तो पेस्ट्री शेफ सिर्फ वो नहीं होता जो कि पेस्ट्रीज ही अच्छा, बनाता है. ऐसा है कि बेकिंग में जब आप आ गए तो आपने कुकीज पे बनानी है, आपने कप केक्स भी, आपने पेस्ट्री, क्या ये एक ही डोमेन में आ जाएगा सब कुछ? जी ये सब एक ही डोमेन में आएगा. और आजकल जो ट्रेंड है सिर्फ केक नहीं होता, सेलिब्रेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कप केक्स होते हैं, टार्ट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, और ये सब अकॉर्डिंग टू द थीम होता है. तो हमें सब चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है. सिर्फ केक से ही अब टेबल नहीं सजता, हर चीज़ उसके थीम से रिलेटेड हमें कुकीज़ भी बनानी पड़ती हैं, और इसके अलावा ये एक कंप्लीट पैकेज देते हैं हम जो अपने थीम बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं. ठीक हो गया. डिफरेंट जो है जिस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हमें मुख्तलिफ पैकेजेस मिल जाते हैं कि इस तरह ये पैकेजेस के साथ इतने केक हैं या फिर एक केक है साथ में, प्रॉपर उस तरह से आपके भी पैकेजेस होते हैं? जी हमारे पैकेजेस होते हैं और हम उन्हें सजेस्ट भी करते हैं. कुछ जो होते हैं उन्हें समझ में चीज़ें आ जाती हैं जो बाद में थैंकफुल होते हैं कि हमारा कितने गेस्ट हों, कितने बच्चे हों तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट होगी. जी वो हमारे पास कंप्लीट उसका एक स्केच होता है. हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपके इतने गेस्ट हैं तो आपकी केक की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी कुकीज़ कितनी जा सकती हैं, और कप केक्स कितने होने चाहिए, और इन सब के साथ कितनी किस किस चीज़ की कितनी सर्विंग होनी चाहिए, वो हम कंप्लीट गाइड करते हैं. अच्छा, गाइडलाइन भी मिलती है. अच्छा अबीर, आने वाला है जी क्रिसमस. क्रिश्चियन कम्युनिटी एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और क्रिश्चियंस जो हैं वो ख़ास तौर पर क्रिसमस, जिस तरह के हम लोग की छोटी ईद मीठे के बगैर मुकम्मल नहीं होती मीठी ईद, तो इसी तरह क्रिसमस के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए. बिल्कुल, क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के हवाले से उस क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत फेमस केक है, रिच प्लम केक.
उसके लिए ज्यादातर जो है ना ऑर्डर्स इसके इस टाइम पे आते हैं उनको. अच्छा, रिच प्लम की खास बात क्या है, ये भी आपने हमें बतानी है. रिच प्लम की खास बात ये है, ये केक फुल ऑफ नट्स और कैंडिड फ्रूट्स होते हैं, और इसके इन सब ड्राई फ्रूट्स को जो है ना सोक किया जाता है. हम लोग क्योंकि बींग अ मुस्लिम हम उसको नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स में नहीं कर सकते, हम उसको उसका अल्टरनेट होता है, हम क्रैनबेरी जूस, रेड ग्रेप्स जूस, ऑरेंज जूस, उनके मिक्सचर के अंदर उन सारे नट्स को और जो कैंडिड फ्रूट्स होते हैं उनको सोक कर देते हैं. वो ओवरनाइट सोक रहते हैं, मैक्सिमम 12 to 24 आवर्स के लिए वो सोक रहते हैं. ठीक हो गया. और वैसे भी अभी तो ड्राई फ्रूट का मौसम भी है, सर्दी का मौसम है, लोग वैसे ही बहुत पसंद कर रहे होंगे. शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी अबीर और नील. आज हमने बड़ी मजे की डिस्कशन की है केक्स पर, पेस्ट्रीज पर. आपके घर में भी अगर कोई शादी है या फिर क्रिसमस आने वाला है या फिर कोई भी ओकेजन है, मीठे के बगैर मुमकिन नहीं होता. और आज जो है वो हमने डिटेल डिस्कशन की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ली कि किस तरह से केक और पेस्ट्रीज बनती हैं, क्या फैशन में है, क्या फैशन में नहीं है. अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सारी बातें.